जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस इनको अरेस्ट करने के रहे और हमने इनकी अरेस्ट करी। इसके साथ इनके जो सह आरोपी था ड्राइवर, उसको भी हम लोग ने अरेस्ट किया है। उसकी भी पूछताछ पे उसने अपना जुर्म कबूल किया है और अब हमने इनका रिमांड लेकर के इनकी जो दोनों बातचीत है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। जो लोग एविडेंस हम कर रहे हैं, सीन को हमने रिक्रिएट किया, वी हैव गॉन टू द स्पॉट, वहाँ पर किस तरह से इन्होंने घटना कारित की है उसको हमने प्लान किया है। इसके अलावा वी आर कलेक्टिंग अदर एविडेंसेस। जो इनका ये परिवार है, जो महिला और ये बच्ची है जिसको इन्होंने अपनी वाइफ बता करके वो अपने घर में रखा था, जहाँ इनका घर था वहाँ पर हमारी टीम उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में, एंड वी आर कलेक्टिंग एविडेंस अबाउट दैट गर्ल। उसके लड़की को शायद इसने अपना ही नाम दिया हुआ है फादर का, वो भी हम तस्दीक करा रहे हैं। और ये सारे एविडेंस को जब हम लिंक करेंगे तो अब हम एक अच्छा केस इनके खिलाफ बना पाएंगे। अच्छा सर, और एक चीज़ जो इनोवा कल यहीं पर ला कर सीज किया गया है, तो ये 2016 में जिस टाइम घटना को घटी थी उस टाइम ई इनोवा यूज़ किया गया था। अभी उसने इनमें दोनों में डिस्क्रिपेंसीज आ रहा है बातचीत में। बेसिकली पहले बलेरो की एक गाड़ी की बात हुई थी, बाद में ये है, तो वी आर वेरीफाइंग दैट कि ये क्या है करके, उस हिसाब से हम उसमें अरेस्ट करेंगे और अपने केस में उसको ज्वाइन करेंगे। जो सुना जा रहा है सर कि एक वो बोलेरो को फाइंड करने के लिए एक टीम गुजरात भी गया। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की आपको नहीं बता पाऊँगा, बट यस वी आर ऑन टू इट। आप सीरियसनेस देख रहे हैं, एसपी खुद इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, मैं इसी केस को सुपरवाइज करने के लिए आया हूँ। कई सारा डिस्कशन हमने हुआ है आज और हम बैठ करके मीटिंग के बाद उसको और करेंगे। सर, नार्को टेस्ट और इम्पोर्टेंट सर पुलिस के लिए? सर, नार्को टेस्ट इम्पोर्टेंट है। नार्को टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक कोराबोरेटिव एविडेंस के रूप में हमें काम करेगा, बिकॉज जब इस तरह के ब्लाइंड मर्डर होते हैं तो स्पॉट पे कोई देखने वाला नहीं होता है, तो हम लोगों को अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस को कलेक्ट करना होता है और एट द एंड एक हमारी जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है, जो हम एविडेंसेस लाते हैं उसको फाइनल प्रूफ देने के लिए इसको करना होगा। और हम दोनों का नार्को टेस्ट कराएंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारे को इनको फाइनल सजा दिलाने में काम आएगा। और इस चीज़ जो बर्धन टॉप को उस टाइम क्राइम सीन रिक्रिएशन के टाइम में उन पुलिस को सूचना दी थी कि उसमें कोई संपर्क किए उस वक्त मौजूद थी, तो उसका बारे में कुछ अभी तक वो लोग कुछ अभी तक कॉन्फ्रेंस कौन मौजूद थे, मतलब उनका रिलेशन में कोई रिलेटिव अभी क्या है? हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन, इनको रिमांड लेने का पर्पज ही ये है कि और लोग भी अगर हैं इसमें मर्डर में तो हम उसको निकालें। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ इनपुट्स इनसे मिल रहा है, हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, और एक पटरी मामले में सर जो मराठा गैंग का नाम आ रहा है, रायगढ़ में भी इस तरह की वारदातें हुई है सर, क्या तार यहां से भी जुड़े हुए सर, किस तरह से इन्विटेशन? देखिए, मराठा जो है ये बहुत ही पुराना क्रिमिनल है, मैंने भी पुराने केसेस में इनको पकड़वाया है और ये कुछ दिन काम करता है, ये पूरा नागपुर से लेकर के यहाँ कंटिन्यूस इस तरह के ऑपरेट करता है। तो हम लोग के यहाँ से जो अगर इस तरह की पटरियाँ गई हुई हैं, आरपीएफ मोस्टली इन केसेस को डील करता है, रेलवे प्रॉपर्टी है, बट हम कोशिश करेंगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा निकालने का। रायगढ़ एसपी जन कथा कहूँ जे जेहेतु से गोटे पॉलिटिकल हैवी वेट थे से कारण अरेस्ट कर डेरी है से गोटे कथा बुझा हो निश्चित भाव में किसी गोटे पॉलिटिकल चाप पुलिस उपरे थे ना 2017 मसीह जदि पुलिस सफिशिएंट प्रमाण पाई सारी जे संप्रति रही है से सहयोग नहीं करते से निजे एसपी कहन जे बारंबार नोटिस दिया किंतु से नोटिस रो प्रति उत्तर रे उल्टा पुलिस को चैलेंज करुले सहयोग करवा जगह तो ये सब कथा जिते बेले लोक चिंता करुछन निश्चित गोटे प्रश्न मन आसुचे जे सरकारी दल रो जेन सुविधा से नेबार कथा से निश्चित भाव ये केस रे भी से सरकारी दल सुविधा नेबार चेष्टा करिछन और से ही कारण रु तांकु अरेस्ट करबा लगी एते समय पुलिस को लागिगला। निश्चित भाव रे सरकार भी आगरु अभिमुख रखी सारिछन जे नेता मान को विरोध रे जहाँ भी केस होची सारा फास्ट ट्रैक रे विचार हेबा कथा, तो से दृष्टि से जो नेता अछन से कौन सी द्विमत कहारी ना जेहेतु बर्तमान से पदरु मुक्त कराई ना
किंतु से अरेस्ट हबार तक तो पद पदवी रहीछन तो जेहेतु से नेता अछन सबुदिनिया नेता अछन निश्चित भाव तांकर मामलाटा आउ जेहेतु इन्वेस्टिगेशन रे बहुत समय ऑलरेडी अतिवाहित हो सारानो 4 वर्ष खंडे पार हो गलानो तो तांकर गिरफ्तारी पर वर्तमान चार्जशीट हला पर ए केसटा निश्चित भाव फास्ट ट्रैक अदालत रे विचार होबार कथा आउ जेते शीघ्र तांकु ये केस रे दोषी प्रमाणित करी उचित सजा दिया जाबा हेते दिन पर्यंत ये अंचल लोकों को भी किसी खुशी खबर मिलिबो नाही लोक चाहूछन जे जदि से इथरे संपृक्त अछन तांकु कड़ा कड़ा सजा दिया जाबा कथा तीन तीन थर विधायक थिबा सते एभली कौनसी तांकर गुण लक्ष्य होइ नथिला आमे केबे अनुभव करि पारिनु जदि एभली तांकर संपृक्ति रहिछि यहा नित्यांत रूपे दुखदायक आमको भी दुख लागुछि किंतु आईन ता बाटे जाऊचे आईन अनुसार जदि किछि सेमती संपृक्ति तांकर थाए निश्चित रूपे आईन तांकु दंडित करिवो आउ ए विषय रे आमे जनसाधारण जहाँ टीवी रु देखुचु मीडिया माध्यम रे जानुचु जे एथिरे कौन अच्छे कौन नाई जे माने यार तदंत भार नहीं से माने उपयुक्त तदंत करी उपयुक्त जी दोषी अच्छे ताकु दंडित करंतु किंतु जदि दोषी नहांती काहा को सेमती फसिया न जाओ आउ जहाँ अच्छे आईन अनुसार दंड विधान हो जेतेबेले से कांग्रेस रे थिले कौनसी राजनीतिक फायदा उठेबार आमे आम नजर आसिनि किंतु वर्तमान से कहले कि जेहेतु जड़े राजनीति दल अच्छा श्री साहब मनु साहब निश्चित से चौधरी कांग्रेस गले बीजेडी अच्छा विजु जनता दल शासक दल बहिष्कृत से दिन कर तेणु हे तो राजनीतिक दबाव थपे से ही दल तरफ कांग्रेस दल तरफ किसी राजनीति दबाव नाला ना ही आज मैं कि सी से भाई कम से कौन से प्रकार कर तेणु से कहीपर शासक दल विजु जनता दल किए घट घोरूला कौन करूला जोटा एसपी कही जोटा गणमाध्यम आम शुणिलु देखिल तेणु सी कहींपर निश्चित क्या दबाव थे शासक दल रन जेकोसी केस होपराध होती आज छत्तीसगढ़ पुलिस दीर्घ 3.5-4 वर्ष जहाँ कौन आपण मैंने गणमाध्यम पर्दाफाश कर स्वागत योग्य पदक्षेप यह सब क्षेत्र में हवा उचित बीजेपी किंवा कांग्रेस आज दुईज तांकर स्टेट बीजेपी सरकार थिला जेन समय तांकर विवेचना लगे ये तो मैटरटे आसला आज कांग्रेस तो सरकार अच्छी से बेचना भितर से मैंने निजकू के दायी करेंगे जदि से दायी करजे दायी अच्छा से जिनिस को चिंता करवार कथा तापर तांकर स्टेटमेंट हबार कथा कहीं ओडिशा सरकार के जगार केबे भी केनसी केस ताकि मिसिंग रिपोर्ट केबे पाई नहीं ओडिशा प्रशासनिक व्यवस्था रे केनसी जगार केनसी रिपोर्ट ना और जेबे तांकर पाखे 2016 रिपोर्ट थिला से माने कार्यानुष्ठान ना नेले तांकर भूल अछि विरोधी माने कहउछन कि केतरा जिनिस अछि जे ओडिशा पुलिस रो आपण देखिथिबे टीवी रे सबुबेले देखा होउछि छत्तीसगढ़ रो जेतकी हायर पुलिस ऑफिसर्स जेबे भी तांकर इंटरव्यू देइछन से समय रे से कहिछन ओडिशा पुलिस तांकू सामर्थ्य हिसाब रे पूरा समर्थन देइछी।